कितने सारे दिए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर पे। ये देखो फॉरनर जा रही है मेरे साथ, हम लोग जा रहे हैं आज नई जगह पे। दैट इज बुद्धा स्तूपा। बुद्धिस्ट कम्युनिटी में बहुत ही इसका एक महत्वपूर्ण प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है जी, आपको वहाँ दिखाते हैं क्या है, अभी जुड़े रहिए वीडियो को एंड तक देखिए। अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के बाद दिखाते हैं आपको ये कैसा सीन है। तो अभी हम करने बैठे हैं ब्रेकफास्ट, ये हमारा ब्रेकफास्ट है हैवी वाला, पूरी बाजी और ये ब्रेड टोस्ट। और ये खाने वाले लोग देखो तो शुरू भी होगी। चलो ठीक है जी, अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर आपसे बात करते हैं, निकलते हैं फिर। बाय बाय। वो भी एक नए दिन की शुरुआत, और हम जा रहे हैं अभी बुद्धा स्तूपा। तो कल हमने बाइक जमा कर दी थी, आज फिर लेने आए, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी का वन वे ही 600 है। उससे बेटर है कि 800 रुपये की स्कूटी ले लो, पूरा दिन आपका निकल जाएगा। और देखते हैं पेट्रोल डलवाते हैं उसमें, कितनी चलेगी पता नहीं। फिर मिलते हैं आपको बुद्ध स्तूपा पे, तब तक अपना ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहे। लोग पहुँच चुके हैं बुद्धा स्तूपा, और ये हम लोग खड़े मेन गेट पे, गेट नंबर 1 है। यहाँ पे टिकट लेंगे अभी, और अभी आपको दिखाते हैं स्टार्ट का गेट कैसा है बाहर से। मेन गेट यहाँ पे, और यहाँ पे है इसकी टिकट, टिकट वाला प्राइस है यहाँ पे। यहाँ टिकट लेंगे और अंदर जाने के बाद यहाँ पे दुकानें हैं सारी, और ये इसका बाहर से है। अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने, तो जुड़े रहिए। बाय बाय। लो जी, हम लोग एंटर हो गए हैं बुद्धा स्तूपा में। तो ये है बुद्धा स्तूपा का मेन एंट्रेंस, ये देखो, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे सारा कुछ ये दिख रहा है, पूरा घुमाने वाला है ऐसे। ये क्या घुमाते चलने ऐसे है? तो बस ये ऐसे घुमाते रहो, देख के आराम से। ऐसे ही सारा बना रखा है इस साइड, इधर की साइड इसकी मार्केट है, पूरा पूरी कवर करवा रखी है इधर मार्केट ऐसे। ये देखो इसकी हाइट देखो, बहुत हाइट है। बस कर, तू थक जाएगी, बस कर, आगे घुमा लेना। और ये इधर मार्केट है, आगे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की मेन मार्केट है ना, बाकी मेन हैंडीक्राफ्ट की, और दूसरा स्तूपा हैंडीक्राफ्ट, और दूसरा यहाँ पे जो इसके रिलेटेड है, मतलब टेंपल के रिलेटेड जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे माला वगैरह या उससे भगवान से रिलेटेड जो भी सामान है, उसकी ज़्यादातर शॉप्स है ना, उसकी ज़्यादातर शॉप्स है। पर है बहुत विशाल, कितना विशाल है ये। अभी पहली जगह हमें अब तक मिली है जहाँ पर टिकट कम रेट पे है। हाँ, टिकट कम रेट पे सार कंट्रीज के लिए 100 रुपये है पर पर्सन, नेपाली 100 रुपये। और दूसरा यहाँ पे अभी तक हमें कहीं अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला, शायद अंदर नहीं जाना, इसके आसपास ही शायद चक्कर लगाने सारे। कितने मुझे लगता है अंदर मेडिटेशन सेंटर होगा, तो जो लोग अंदर जाके मेडिटेट करते हैं उनके लिए ही है। हाँ, वो भी जो वो बौद्ध वाले उनके कॉस्ट्यूम्स में, शायद उनके लिए होगा। ये देखो यहाँ से देखो कितना विशाल दिख रहा है, और ये देखो इनकी आँख बना रखी है ना, सही कि नहीं। चलो आज आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या है। और यहाँ के एंट्रेंस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हैं, और मैक्सिमम जो आपको सर्कल लगा सकते हो वो आप सिर्फ 3 ही लगा सकते हो। हाँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार इस स्तूपा के अराउंड घूम सकते हो। देखो ये फ्लैग लगा रखे अलग अलग इनका, जो क्योंकि ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मेन वो है, मतलब जैसे सिखों के लिए हरिमंदर साहब होता है ना, ऐसे बौद्ध धर्म का ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, एक टूर रिलीजियस अट्रैक्शन कह लो ये वाला। बस ये है यहाँ पे। अभी जो हमारे सामने था वो उसका मेन गेट था, जो आप जहाँ से हमने वीडियो आपको दिखाया स्टार्ट किया। अभी जो दूसरा आपको एक और गेट दिखा रहे हैं वो है, शायद वहाँ पे एंट्री नहीं है,
पर वो भी एक इसका गेट है, मेन गेट है ना? हाँ, वो बैक साइड वाला गेट है शायद। हाँ, बैक साइड, क्योंकि उससे एक जगह को और मंदिर जा रास्ता जाता है, पर लोग एंटर भी कर रहे हैं, है ना? लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ का आर्किटेक्चर, मतलब आपको इतना ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ये लिखा हुआ है ना, आउट बाहर, ये बाहर जाने का रास्ता है। आप रोकते हैं, ये रहा ये वाला, वो रास्ता रहा ये वाला, और ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता होगा, ये भी मुझे लग रहा है बाहर जाने का ये रास्ता शायद, ये शायद अंदर जाने का रास्ता है। तो ये मेरा पति जो है ये जा रहा है अंदर, क्या कहते हैं जो बड़े बड़े से इनके घुमाने वाले बने हैं, मुझे पता नहीं ऐसे क्या कहते हैं, तो वो घुमाने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। तो ये रहे, ज्यादा ना घुमाओ, ये छोटे छोटे से हर जगह बने हुए हैं। ये मेरे ख्याल से पता नहीं कितने होंगे। जहाँ जाते हैं कबूतर हमारे साथ साथ ही रहते हैं। यहाँ पे भी देखो, देखो कितना बड़ा है कबूतर, देखो और ये देखो कितना बड़ा घंटा कर रहा है। घर नहीं है, अकेला घंटा है। और देखो यहाँ से आपको आपको फीलिंग आती है ना भी, हाँ किसी मुनारसी में, मुनारसी में आए हुए हैं। पर और यहाँ पे पहले था भी मुनारसी, 10-12 साल पहले यहाँ पे मुनारकी था यहाँ पे पहले। ये देखो, मैं फिर से वही करता हूँ जो मैंने कल किया था। डरते नहीं है वो, मेरे पति को पता नहीं क्या भूत घुसा हुआ है। एक कबूतर जाए उनको दिखते हैं, कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन हो रखा है, कबूतरों को उड़ाते ही रहते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। ये रहे, बस भर गया पेट। बस इतना था ही। और ये इस साइड से भी ऐसा दिखता है, है तो सारे साइड से ऐसा ही है, पर हमें ये देखना है अभी इधर मार्केट है पूरा। बस यहाँ पर अच्छे वो है, ये देखो ये सारा, और इधर हाँ इधर सारी, ये सारा मार्केट है, रेस्टोरेंट या फिर ये सारी दुकानें जो। ये आपको क्यों लगा दिया बाहर? कहाँ पे ये मुझे कहाँ लगाया? ये जो बने हैं ये रहो, कुछ भी ये रहा, देखो इस साइड आपको आंखें इसके इनके अच्छे से दिखेगा, सारा साफ साफ दिखेगा सारा वो। ये रहा, इनकी एंट्रेंस नहीं है कहीं पे ना, कहीं पे एंटर नहीं कर सकते इसमें। ये एंट्रेंस होगी, जो लोग बाहर निकल रहे हैं तो इसे एंटर भी तो कर रहे होंगे। वहीं उसके पास ही तो शायद एंट्रेंस वाला हो। ना ना, वो दोनों एग्जिट वाले हैं। लो ये पूजा कर रही है पूरी। देखो यहाँ पे ये है, गिलास में पानी डाल के, जगसी जी में पानी में डाल के फूल वगैरह रखते हैं इसमें। होगी पूजा? ये अच्छा बना रखा है, रिसाइकल। ये डस्टबिन देख लो, डस्टबिन कैसा बना रखा है, अच्छे वाला डस्टबिन एकदम। ये सारा इस साइड मार्केट, इस साइड स्तूपा, ये चल रहा है सारा। बस वो देखो इसके ऊपर कितने वो बना रखे हैं, आपको पास से भी दिखाएंगे। ये देखो पांच, इसका तो एरिया ही बहुत बड़ा है। एक एक हेक्टेयर बोल रहे हैं, एक एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में तो पूरा होगा ना ये। हाँ। ये वाला राउंड वाला स्तूपा। हाँ देखो, फॉरनर यहाँ पे बहुत है, नेपाल में वैसे ही फॉरनर, इनको बेचारों को ये तो समझ में नहीं आता। नेपाल में हम भी फॉरेनर है। हाँ नेपाल में तो हम भी फॉरेनर हैं, मतलब वेस्टर्न पीपल बहुत आए हैं। हाँ तो एशिया वाली हो गए ना, पर वेस्टर्न पीपल बहुत आ रखे हैं यहाँ पे। ये देखो ओल्ड टिबेटियन थोड़े थोड़े टूरिस्ट हेल्प, कौन सा ओल्ड टिबेटियन सिंगिंग बाउल शॉप। हम तो एक ही में थक गए, तीन तो कैग लगाएंगे। तीन तो मैक्सिमम है अभी, तुम्हें मैक्सिमम तुम तीन लगा सकते हो क्लॉक वाइज में। लगाना है तुम्हें जो हमारी शर्त है, तुम एक लगाओ चाहे ना भी लगाओ तब भी कुछ नहीं है, पर मैक्सिमम तीन लगाने हैं। ऐसा नहीं चार लगाने से तुम्हें कोई पकड़ लेगा, वो एक तो होता है ना वैसे ही करना है, तो वो चीज़ है बस। ये देखिए बौद्ध धर्म में जो लोग होते हैं वैसे कपड़े डालते हैं।
ये असली वो है, बहुत गर्म वाले मोंग होंगे। हाँ ये सारे चल रहे हैं वो। तो भी सामने वाले जो हम आपको दिखा रहे थे ना, एक अलग सी फीलिंग वाला, वहाँ गए। ये देखो यहाँ से कैसा दिखता है स्तूपा, बिल्कुल ही बहुत अच्छा वाला व्यू आता है यहाँ से ना। जो नीचे से दिख नहीं रहा था ना, वो सारा यहाँ से दिख रहा है। अब इसके भी ऊपर जाएंगे और अच्छा दिखाने के लिए। ऐसा दिखता है ये वाला स्तूपा, बौद्ध स्तूपा। जी हम लोग ऊपर चढ़ गए बिल्कुल अभी टॉप पे। अभी टॉप पे चढ़ने के बाद ये देखो कितने सारे दिए हैं, ये सारे दिए, किसी में घी ढला हुआ, किसी में नहीं ढला हुआ, सारे हुआ। यहाँ ज्योति चल रही है, ये पूरा सामने से स्तूपा कैसा नजर आता है। लो यहाँ से दिखता है पूरा स्तूपा है, बोलो पूरा स्तूपा दिख रहा है मुझे। नहीं ये इसकी टॉप है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अम्ब्रेला वगैरह ये सब। और ये रथ हाथी, हम लोग यहाँ थे नीचे, वो देखो वो वाले गेट पे गए थे हम लोग ना। यहाँ से ऊपर कितना नीचा लग रहा है ये, और ये सोचो ये इससे भी ऊपर है ये वाला। ये देखो ये मूर्तियाँ अलग अलग है, ये चीजें देखो। स्तूपा के बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, अब इसके अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। ये है बौद्ध वाटिका का दूसरा वाला पहलू, दूसरी वाली जगह ना, बौद्ध नाथ वाला। आज दिखाते हैं अंदर से। ये सरोवर है, मतलब यहाँ पे मछलियाँ हैं, अच्छा बना रखा है सारा, पानी साफ नहीं करते। नीचे देखो, तू देख तू गिरती रहती है। चक्कर लगाते हैं पानी में फूल डाल के, पैसे अंदर डाले। मछली बहुत सारी है और बहुत साफ बना रखा है, बहुत साफ है ये जो जगह बना रखी है, जो मेंटेन की हुई है, बहुत साफ बना रखी है। यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह सारे बैठे हैं। इधर भी सरोवर है, तालाब यानी कि बोल रहे हो, इधर भी तालाब है। ये कुछ ये बहुत ही अलग अलग प्राकृतियाँ बना रखी हैं। सारी सारी उसकी उनकी बना रखी हैं बहुत ही अलग अलग। हाँ अलग अलग स्तूपा, मतलब अलग अलग मुद्राएं हैं। कभी किसी में आराम वैसे बैठे हैं, किसी में किस कैसे बैठे हैं, कभी किसी में कैसे बैठे हैं, सारी उनकी मुद्राएं हैं। बस ये सारा इतना ही है इनका इस वाले में। अभी हम लोग जाएंगे घर पे। ठीक है जी, तो ये वाला था बौद्ध स्तूपा और ये उसके साथ दूसरे वाला। ठीक है जी, लो मार्क है। और यहाँ पे राजा फूल जब शंख बजाते हुए
शेषनाग की तरह। हेलो जी, ये था हमारा बुद्धा स्तूपा। बुद्धा स्तूपा, बुद्धा स्तूपा, हाँ, उसका ब्लॉग। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। और तब तक के लिए रब राखा, रब राखा।